हिंदुस्तान किस आईन के बाहर हम कोई बात नहीं करते हैं। हमने जो बात की थी हिंदुस्तान के आईन के अंदर की, जब हमने कहा हुर्रियत से बातचीत करो, हमारे पास मिसाल थी वाजपेयी जी के टाइम में एलके अडवाणी साहब ने बात की। जब हमने कहा पाकिस्तान से बात करो, हमारे साथ मिसाल थी जब वाजपेयी जी पहले लाहौर बस लेके चले गए, दोबारा लाहौर बातचीत के लिए गए, जिसके बाद हमारे बॉर्डर्स पे सीज फायर हुआ। जब हमने कहा रास्ते खोलो, तो हमारे पास मिसाल थी वाजपेयी जी ने इनिशिएट किया था मुजफ्फराबाद रोड को, उनके वक्त में इसका स्पीड वर्क हुआ था। जब हमने बात की कि हमारा सरमाया जो है, हमारा जो पानी है जिसपे बिजली बनती है, पूरा मुल्क रोशन होता है, हमारे पावर प्रोजेक्ट वापस दे दो, ये तमाम बातें बीजेपी ने एग्री की, इसलिए कि हमने उनको कहा उसी शर्त पे आपके साथ सरकार बनाएंगे। और बदकिस्मती ये है मुफ्ती साहब ज्यादा देर, तुमरूद ने ज्यादा वापस किया, मैं आऊ मौके दोन विलियन अल्लाह ताला रिशन हालात रुजवारिया खराब, मगर उसके बावजूद 12,000 नौजवानों के मैंने FIR वापस लिए, बीजेपी के साथ हमारी अलायंस थी। हमने हिंदुस्तान से पूरे मुल्क से पार्लियामेंटेरियंस की बहुत ही बड़ी टीम, जो ऑल पार्टी डेलीगेशन था, उसको हुर्रियत के घरों तक पहुंचा दिया कि भाई आप बताओ क्या कहना है आपको, मगर बदकिस्मती है दरवाजे नहीं खुले और पूरा मुल्क देख रहा था कि ये कश्मीरी देखते हैं आज क्या करेगा, मगर तुमो खूल ने दरवाज किया, मुल्कस मज गए मैसेज तो यम कश्मीर असर छे ये मन सोचन लिहाज ओचन हुन लिहाज छुपने किया। उसके बाद जो उस वक्त के होम मिनिस्टर थे, 6 दफा उन्होंने बोला मेरे दरवाजे खुले, मैं बातचीत के लिए तैयार हूं, मगर यहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। 1 महीने का सीज फायर कराया हमने मोदी जी से, हमने जो इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर हैं, हमने इनसे 1 महीने का सीज फायर करवाया, मगर बदकिस्मती से यहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मेरे कहने का मकसद यह है कि हमने सरकार बनाई, मगर हमने अपना एजेंडा नहीं छोड़ा। मैंने 2 मिनिस्टर ड्रॉप करवा दिए बीजेपी के, जो कठुआ में हमारी छोटी सी बच्ची के साथ जाती हुई। हम अपने जो हमारे प्रिंसिपल्स थे, जो हमारे उसूल थे, हम उन पे डटे रहे। चिल्ला चिल्ला के क्लेम कर रही है कि हमने जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को बहाल किया, तो मैं समझती हूँ जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आने के बाद जो हो रहा है वो जमहूरियत का मजाक बना दिया उन्होंने। जितने भी कैंडिडेट जीते हुए हैं उसमें, चाहे वो PDP के हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हो, दूसरी जमातों के या इंडिपेंडेंट हो, उनको ब्लैकमेल किया जाता है, उनको पैसे का लालच दिया जाता है, जो पैसे के लालच से नहीं मानते उसको बंद करके कहते हैं तुमको किसी केस में इन्वॉल्व करेंगे। और एक अड्डा बनाया गया है यहाँ पर जिसमें बदकिस्मती से कुछ पुलिस ऑफिसर भी इन्वॉल्व है, जो इसको फैसिलिटेट करते हैं, जो इनकी प्रॉक्सीज यहाँ पार्टीज हैं उनके दफ्तर में जाके उनको बंद किया जाता है, उसके बाद उनके साथ सौदाबाजी होती है। तो मैं समझती हूँ कि इलेक्शन, इतना बड़ा इलेक्शन करने के बाद इस किस्म की जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं ये शर्मनाक हैं। इससे मुझे लगता है कि जितना भी अच्छा काम हुआ यहाँ इलेक्शन कराने की वजह से, उस सब पे दाग लग रहा है, दबा लग रहा है। और इसमें बदकिस्मती से जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पुलिस के कुछ लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ये काम करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने सुना उनको अब अटैच किया जाएगा, काफ़ी सारे पुलिस के लोग ये काम करने के लिए तैयार नहीं है, उनकी शायद पोस्टिंग्स चेंज हो। मगर जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं पुलिस के, एडमिनिस्ट्रेशन के, जो इस दलाली में, ये दलाली चल रही है इस वक्त, इसमें इनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो प्रॉक्सीज हैं बीजेपी की उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और हम समझते हैं कि इन्होंने जितनी भी मेहनत अभी इलेक्शन में की वो सब जाया कर दी। तो एंटी डिफेक्शन लॉ होना चाहिए था क्या? नहीं, एंटी डिफेक्शन लॉ तो होना चाहिए, मगर ये लोग तो जब बिल्कुल लगे हुए हैं, क्योंकि इलेक्शन में ये नाकाम हो गए, पूरी तरह से फेल हो गए, चाहे वो बीजेपी थी जम्मू कश्मीर में, चाहे वो इनके प्रॉक्सीज थे, वो नाकाम हो गए। PDP को इन्होंने तोड़ फोड़ करने के बावजूद भी उनको कुछ हासिल नहीं हुआ, तो अब इन्होंने यही तरीक़ेकार अपनाया कि जो हमारे कैंडिडेट जीत के आए हैं इंडिपेंडेंट से, उनको मार दार पैसा वैसा दे के ये वर्गला रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि मैंने पहले भी कहा ये जमहूरियत का जो है एक हिसाब से कत्ल हो रहा है। बाबू जी, अगर देखा जाए यहाँ पर PDP के जो लीडर हैं उनको कल वोट भी उठाने दिया गया, तो उस पर क्या कहेंगे आप?
इसमें देखिए जो वहीद फराज साहब हैं, जैसे आप जानते हैं, मुझ पे दबाव डालने के लिए उनको पकड़ के ले गए, उनको अरेस्ट किया गया। मैंने पहले भी कहा यहाँ कई ऐसे लोग हैं जिनके गाड़ियों में AK-47 मिली, तकरीबन आधा दर्जन, मगर जब उन्होंने इनकी प्रॉक्सी पार्टीज को ज्वाइन किया तो उनके केस विड्रॉ हो गए। तो वहीद परा साहब जो इलेक्शन जीत गए और बहुत बड़े मार्जिन से जीत गए, उनको कोर्ट की डायरेक्शन थी कि इसको ओथ ऑनलाइन देना चाहिए, मगर उसके बावजूद यहाँ की जो इंतज़ामिया है उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया, उसको हलफ नहीं दिया। और मेरे